तो आज हम बात करने वाले हैं KBC 40 प्रोजेक्ट की, जो कि निदान वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। निदान वेलफेयर फाउंडेशन जो कि 2017 से काम कर रहा है, इसका नांगली दिल्ली में हेड ऑफिस है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है KBC 40। यहाँ पर KBC का मतलब होता है कीप बिलीविंग इन चैरिटी। और 40 का मतलब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने समझा जाना है कि कोई भी फाउंडेशन है उसका जो भी काम होता है वो डोनेशन से होता है, क्योंकि तो लोग फाउंडेशन में डोनेशन करते हैं, तो जो भी वो चैरिटी के प्रोग्राम करेंगे उसी से करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी डोनेशन इकट्ठा होता है तो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है किसी भी संस्था के पास, तो उससे कोई भी काम बड़े से बड़ा किया जा सकता है, चाहे वो लड़कियों की शादी हो, चाहे वो कोई धर्मशाला बनवानी हो, चाहे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनवाना हो, तो बहुत सारे लोग देने वाले होते हैं। लेकिन कभी भी देने वाले को क्या मिला ये नहीं सोचा गया, और जो देने वाला उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय संतुष्टि के और दुआ के। पहली बार मनोज गर्ग साहब ने, जो निदान वेलफेयर फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो पैसा डोनेशन में इकट्ठा होता है उस पैसे को देने वाले को ही वापस करा जाए, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बन जाए और वो फिर और ज़्यादा देने लायक बने। इससे क्या होगा कि हम समाज में जो निम्न स्तर पर लोग हैं उनके स्टैंडर्ड को भी ऊपर लेके आ पाएंगे, और जो देने की भावना है और ज़्यादा बड़ी होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो किस तरह से काम को किया जाता है आइए समझते हैं। तो डोनेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप जितना मर्जी डोनेशन दे सकते हैं फाउंडेशन को, फाउंडेशन है, जो भी आप डोनेशन देंगे 80G में और 12A में आपको उसका इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम से शुरू करना चाहते हैं तो आप केवल 1500 रुपये डोनेशन करके संस्था के एसोसिएट वॉलेंटियर बन सकते हैं, और आपके पास ये अधिकार मिल जाता है आपको कि आप और लोगों को संस्था में अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं अपने लोगों का, जहाँ पर आपके जानने वाले लोग हैं, यानी कि आपके वो लोग जिनको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सर्कल में लोग। तो क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे आपने 1500 रुपये दिए आप एसोसिएट वॉलंटियर बन गए, आपको एक रसीद मिल गई 1500 रुपये की जिसको आप रिबेट ले सकते हैं, और आपने अपने लोगों को यहाँ पर बताना जोड़ना शुरू करा। तो जितने भी लोगों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे संस्था के साथ, उन सभी से आपको डायरेक्ट रेफरल के तौर पर, जो कि यहाँ पर पहली आपको कमाई होती है एक तरीके से, वो मिलेगा 500 रुपये। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे हर एक से आपको 500 रुपये मिलेगा वन टाइम। साथ में आपकी दूसरी जो इनकम है वो शुरू होगी, उसको बोलते हैं लेवल इनकम। लेवल इनकम में यहाँ पर आप होते हैं, आपने मान लीजिए दो लोगों को जोड़ा, इन दोनों से जब आप डोनेशन करा देते हैं तो जोड़ा आपको 500-500 करके 1000 रुपया री डोनेशन के रूप में वापस मिलता है, और आप क्योंकि एसोसिएट थे एसोसिएट से अब आप बन जाते हैं यहाँ पर ब्रांच। अब आने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह से काम को करेंगे, तो इनको भी उसी तरीके से 1000-1000 रुपया आ जाएगा। और यहाँ पर नियम जो काम करता है कि आपको अगले व्यक्ति से आने वाले से कैसे पैसा मिलेगा, वो इस तरीके से काम करता है, क्योंकि जिस पोजीशन पे जिस रैंक पर आप हैं उसी रैंक पर आने वाले व्यक्ति जब आएंगे तो उनसे आपको नया पैसा रिलीज हो जाएगा। जैसे इनसे तो आपको मिल गया, इन चार लोगों से जब मिलेगा, जब आप भी जैसे ब्रॉन्ज हैं तो ये भी चार लोग आप ही की तरह ब्रॉन्ज बन जाए, यानी कि अपने दो दो कर दें, तो फिर इन चार लोगों से भी आपके पास पैसा आ जाएगा, और वो कितना आएगा आपकी बार 1-1000।
चार लोगों से इकट्ठा हुआ तो 4,000 रुपये, ये होती है क्राउड फंडिंग की ताकत। आपने केवल 1500 रुपये दिए थे लेकिन वो आपको यहाँ भी मिल गए, लेकिन यहाँ से आपको लगातार पैसा मिलेगा जो कि आपको मजबूत बनाएगा। ये पैसा पहले संस्थाएं अपने पास ही रखती थी और अपने हिसाब से काम करती थी, लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि आपको मजबूत बनाए दें पहले, क्योंकि जब परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार होता है, परिवार जब मजबूत हो जाता है तो समाज मजबूत होता है, समाज जब मजबूत होता है तो राज्य मजबूत होता है, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होता है। तो पैसे का डिसेंट्रलाइजेशन होना, मतलब पैसा सबको मिल रहा है। तो इस तरीके से इस 4,000 में से 2,000 चला जाएगा आपके सिल्वर सीनियर को जो आपके ऊपर बैठे हैं, क्योंकि जब जब आप दोगे ऊपर तब तब आपको नीचे से और ज़्यादा मिलेगा, और 2,000 जो बच गया वो आपके पास रह जाएगा और आप भी बन जाएंगे सीनियर को चले जाएंगे। हाँ अच्छा, और 2,000 आपके पास रह जाएंगे, आप भी अब सिल्वर बन जाएंगे, क्योंकि आपने सिल्वर को टच कर दिया तो आप भी सिल्वर बन गए। अब आपको इनसे पैसा आ गया, इनसे आ गया, अब नए 8 लोगों से पैसा आना है, लेकिन ये पैसा कब मिलेगा इन लोगों से, जब ये आपकी तरह सिल्वर बन जाएंगे। सिल्वर बनने के लिए कोई व्यक्ति को 2, 4 और 8 का स्ट्रक्चर पूरा करना होता है, तो ऐसे ये जो 8 लोग हैं ये भी अपना 2, 4 और 8 का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, ऐसे करके सब लोग करेंगे। जो जैसे करता है, किसी की स्पीड तेज हो सकती है, किसी की धीरे हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इन 8 लोगों से, पिछली बार आपने दिया था 2,000, अब लेने की बारी आ गई 2,000, लेकिन आपको कितने लोग देंगे, 8 लोग। आपने कितने को दिया था, एक। मैंने क्या बोला था कि आप एक को देंगे आपको 12 मिलेगा, 16,000 इकट्ठा हुआ आपके लिए। यहाँ से फिर 8,000 चला गया आपके गोल्ड सीनियर को, आप भी गोल्ड बन गए, और 8,000 जो आपके पास रह गया वो आपका हो गया। अब जो ये पैसा मिल रहा है आपको, ये रीडोनेशन के रूप में वापस जो मिल रहा है, ये बिना, ये पैसा आपको वापस नहीं देना, ये पैसा कोई लोन नहीं है, ठीक है, इस पैसे को कोई ब्याज नहीं लगना, ये आपका पैसा है, आप इसको अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपने जो लोगों की मदद करी है ये भी इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, सब अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अब 8 के बाद जो है नए 16 लोग आएंगे, वो दो दो करेंगे, इनके बाद ये दो दो आएंगे वाले, तो ये क्या होगा, क्योंकि अब आप गोल्ड बन चुके हैं, तो नए जो लोग हैं 16 उनको क्या बनना पड़ेगा, गोल्ड आपकी तरह। तो जैसे ही लोग गोल्ड बनेंगे, पिछली बार जो आपने दिया था 8,000, अब आपको मिलने वाला है कितने लोगों से, 16 लोगों से, आपने एक को दिया था, 16 लोगों से आपको 8,000 मिलेगा। इस तरह से 1,28,000 रुपये इकट्ठा होगा क्राउड फंडिंग की मदद से आपके लिए। इसमें कुछ लोग आपके जानने वाले भी हैं, कुछ लोग आपको जानते हुए भी हैं, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम बन गया तो सिस्टम से आपको पैसा आ रहा है। अब इसमें से फिर ऐसे होगा कि 28,000 तो चला जाएगा आपके पर्ल सीनियर को, 28, हाँ, और 1,00,000 बचेगा आपके पास, 1,00,000 हमारा है। हाँ, अब यहाँ से जो है आपको लाखों में आना शुरू हो गया और आप भी अब बन जाएंगे पर्ल, ठीक है। उसके बाद 32 लोग आएंगे नए 16 के बाद, 16 लोग ये गोल्ड अपना कंप्लीट कर लेंगे मेरी टीम में, है ना, जब पर्ल हो जाएगा, ठीक है। 32 लोग 16 के बाद, 16 के बाद 32, जैसे जैसे अपना पर्ल कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे, जैसे पिछली बार आपको 28 देना था, अब की बार आपको 28 लेना है, लेकिन 32 लोग देंगे, 32 लोगों से टोटल पैसा इकट्ठा होगा आपके लिए यहाँ पर 8,96,000, जिसमें से केवल 3,00,000 चला जाएगा आपके टोपाज सीनियर के ऊपर, नाम टोपाज है। हाँ अच्छा, तो बाकी का जो है 5,96,000 वो हमारे आपके पास हो गया, आप इससे अपना प्लॉट लो, प्लॉट बनवाओ, ये आपका पैसा है, और आप भी अब बन गए टोपाज हो जाएगा उस लेवल। उसके बाद 64 लोग 32 के बाद, इन 64 लोगों से पिछली बार आपने 3,00,000 रुपया दिया है, तो आपको भी 3,00,000 रुपया 64 लोगों से आने वाला है। आप सोचो पैसा इकट्ठा होगा यहाँ पर 1,92,00,000 रुपया, इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग की ताकत, जो कि आपने अपना संगठन बना के खुद विकसित की है और आपकी मेहनत आज रंग लगी है। यहाँ से
30 लाख रुपये केवल जो है वो चला जाएगा आपके डायमंड सीनियर को, और आपके पास रह जाएगा यहाँ पर 1,62,00,000। अब यहाँ पर आप बन चुके हैं करोड़पति, साथ के साथ आप बन चुके हैं डायमंड डायमंड। अब अगले जो 128 लोग हैं, जैसे आपने 30 लाख दिया है, इन 128 लोगों से आपको 30 लाख रुपए आएगा। मैं यहां तक पहुंच गया था पिछली बार। अब 128 लोगों से जब 30 लाख रुपए आएगा, टोटल 38 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, 40 लाख। ये पूरा का पूरा आप ही के पास रहेगा, क्योंकि अब कोई अपग्रेडेशन नहीं है। इस तरह से जितना भी पैसा आपको बटा, ये है 40 करोड़। इसीलिए इसको बोलते हैं KBC 40। 40 का मतलब है 40 करोड़। अब ये तो हो गई आपकी लेवल इनकम। इसके बाद जो तीसरी जो नई इनकम यहाँ पर शुरू हुई है, वो बहुत गजब की इनकम है, जिसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस में क्या होगा, जितने भी आपके ऊपर से लेकर नीचे तक पेयर बनते जाएंगे, उन पेयर का भी आपको 150 रुपये पर पेयर मिलता जाएगा, साथ में 4500 रुपये डेली की यहाँ कैपिंग रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हो, जब आपकी टीम में इतने लोग बढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी, मतलब डेली बेसिस पे अगर 1, 2, 3, 4 आईडी पड़ रही हैं, बेसिक से लेवल अचीव नहीं हो रहा कोई, क्योंकि लेवल पूरा हो जाएगा तब अचीव होगा। लेकिन लेवल का भी पैसा मिलता रहेगा, साथ में बाइनरी का भी पैसा 150-150 के हिसाब से मिलता जाएगा। तो आदमी को क्या है ना, एक पेट्रोल डालने के लिए पैसे मिलते रहते हैं, कभी 300 बन गए, कभी 600 बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से 4500 की इसकी लिमिट है। जब आदमी, कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी जब काम करते करते गोल्ड से पर्ल की तरफ बढ़ेगा, तो उसकी कैपिंग लगना निश्चित है, क्योंकि 30 पेयर बनना उसकी टीम में कोई बड़ी बात उस दिन नहीं रह जाएगी डेली बेसिस पे। तो इसका मतलब 1,35,000 रुपया पर मंथ आपको मैचिंग बोनस ही मिल जाएगा, साथ के साथ मिलता रहेगा। ये जो इनकम चल रही है, ये अलग चल रही है। जितने भी डायरेक्ट करोगे उनका 500 आपको वो अलग मिल रहा है। चौथी इनकम है यहाँ पर क्लब रिजर्वेशन। क्लब रिजर्वेशन गोल्ड से शुरू हो जाता है, गोल्ड रैंक से। यानी कि आपको ये जो भी इनकम आ रही है, इसमें से 5% हर बार कट रहा है, जो कि इस रिजर्वेशन फंड में जमा होता रहेगा। तो गोल्ड, पर्ल, टोपाज और डायमंड और NWF क्लब, जो 5% पैसा कटता है, वो इन 5 पूल में एक तरह से जमा होता रहता है। तो जैसे आप गोल्ड रैंक अचीव करोगे, तो जितने भी गोल्ड लोग रैंक अचीव करेंगे, सबको ये पैसा बराबर बटेगा हर महीने मंथली बेसिस पे। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लोग कम होते हैं तो कम होता है, ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा, और इसकी कोई कैपिंग नहीं है, जो है वो बराबर बटेगा। इस तरीके से मंथली बेसिस पे ये एक अलग इनकम शुरू हो जाती है। तो अब जो है 1500 रुपये में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम बन पड़ा है कि आपको कुछ खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, सिंपल काम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रही हूँ टोटल 4 तरह की इनकम, जो कि आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके तुरंत संपर्क करिए और दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए।